नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं सीलिंग फिटिंग दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और सीलिंग फिटिंग एक बैरिंग है, इसको पंप हैंडल में, और ये पंप वाले हैंडल में डाल के इसमें ग्रीसिंग करना पड़ता है अंदर तक। अभी तो ये मशीन नीचे रखी हुई है, अभी आप इसमें देखेंगे ग्रीस की बाल्टी है और इसमें जो ग्रीस अंदर भरा हुआ है, तो अभी इसको अंदर डालेंगे और ग्रीस जो है ऊपर से निकल आएगी वहाँ। तो अभी आप इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए ग्रीस कैसे बाहर आ गई। ये कैमरा फोकस कर, हाँ तो ये देखिए, अब इस जितनी भी बैरिंग इसमें लगी हुई है सब में ग्रीस अंदर तक पहुंच चुकी है। तो ये एक मशीन है, इसके ज़रिए से काफ़ी जल्दी होता है ग्रीस अंदर तक पहुंचाने में। और अभी हम आपको एक मोटर फिटिंग करके दिखाएंगे। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फिटिंग होते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे का अगर बनाएंगे वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गए, ये बैरिंग जो है यहाँ पे रखते जाते हैं इस तरफ। ये मशीन है ठोकने में, ये तो देखिए आप, और ये सब बॉटम यहाँ पे ठोका जाएगा। तो अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये फिर से जो है बैरिंग लगा के अंदर एक सरिया टाइप का होता है, उसके बाद इसमें डालेंगे। तो देखना, अभी देखिए ऊपर से जो है ये ग्रीस ऊपर से निकल आई है, इस तरह से ग्रीस जो है ऊपर से निकल आती है। तो काफ़ी अच्छी तरह से ये पंखा बनाया जाता है और 2 साल वारंटी के साथ भी ये बेचा जाता है होलसेल रेट में। तो आपको किसी को भी पंखे की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। जो भी होलसेल में ख़रीदना चाहते हैं, जिनको पंखे का काम सीखना है, वो हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप बात हो तो आप उसके लिए कमेंट हमें नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, और साथ में जो लाल वाला बटन होगा नीचे वीडियो के नीचे, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी जो दूसरे चीज़ की वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो ये अभी फिटिंग का काम भी चल रहा है, तो मैं आपको फटाफट से एक मोटर जो है फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी जो है ठोकने जा रहे हैं बॉटम, इसको ये टॉप वाला ठुक गया है। बैरिंग अंदर रखने के बाद इसको इस मशीन पे रखने, टाई बनी हुई है ये, तो यहाँ पे रखने के बाद इसको दबाना पड़ता है। लो बैरिंग फंसा के रखो, अच्छा ये दूसरी मशीन है इसके लिए। दोनों तरफ की अलग अलग मशीनें होती हैं, तो दोनों तरफ की अलग अलग डाई होती है। तो ये इसमें भी जो है बैरिंग देखिए अंदर लग चुकी है, उसके बाद इसमें एक कागज़ लगा देंगे ताकि इसमें मिट्टी और ये सब न जाए अंदर। और उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, तो एक पीस मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। ये रहा पीस जो वाइंडिंग करना मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें सापट भी लगती है, और सापट इस तरह की कुछ होती है। रोटर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें रोटर कैसा रहेगा। तो ये जो रोटर आ चुका है, इसको इस तरह से रखने के बाद उसको फिटिंग कर लेंगे, फिर इसमें एक स्प्रिंग आती है वो डालेंगे, उसमें भी ग्रीस लगी हुई रहेगी। और अब इसको थोड़ा सा पटकना पड़ता है दोनों को सेट होने के लिए। अब इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी नट हो गए हैं इसमें, तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो दो नट दिख रहे हैं, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे बगल बगल में, तो ये जो ब्लेड का नट है, बाकी यहाँ पे 3 नट जो है इसका टाइट करने के लिए। उसके बाद चला के देखेंगे इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती, तो आवाज़ आती रहेगी तो इसको थोड़ा सा फिटिंग विटिंग करेंगे अभी।
ठोकना पड़ता है थोड़ा सा, तो अभी बिल्कुल जाम है ये मेरा। तो ये वाला गुल्ला मिला है, इसको एक बार ठोकेंगे। प्लास्टिक का गुल्ला होता है, आप लोहे की थोड़ी से अगर इसको ठोक देंगे तो इसका कलर जो है उड़ जाएगा, इसलिए प्लास्टिक के गुल्ले से धीरे से मारना पड़ता है। आवाज़ हो सकता है आपको तेज़ी तेज़ी आ रही होगी, तो उतनी तेज़ी मत मारना कि ये बैठ जाए, धीरे धीरे मारना है इसको। ये बन रहा है हाई क्वालिटी का सीलिंग फैन, दोस्तों जरूर देखना, शेयर करना। कारीगर की शक्ल तो ले लो। हाँ हाँ, कारीगर की शक्ल भी आ रही है। बगल में पानी का टंकी लगा हुआ है, पीते पीते थक जाएगा तो पानी पी लेता है। तो इसमें हल्का, तो इसका आप, तो यहाँ पे मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ, इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। इसको जो पाइप जो बीच में कटी हुई होती है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ, आप कनेक्शन देख लीजिए। आप कौन से शिकायत आ रही है? कनेक्शन इस तरह से हो गया। तो ये रहा कैपेसिटर, इसको यहाँ पे नट लगा के टाइट कर देंगे इस लोहे में, सापट के अंदर ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद इस तार को आप देख लीजिए कैसे कनेक्शन करना है इसका। कनेक्शन एक कैपेसिटर हो जाएगा व्हाइट वाले में, और एक कैपेसिटर हो जाएगा हरे वाले तार में। अब इस कैपेसिटर को यहाँ पे हम जो नट होता है इसमें फंसा देंगे, तो बीच वाले में ये व्हाइट वाला हो गया। अब इसको एक बोर्ड में चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मशीन होती है एक तरह से, वाट एम्पियर कैसे ले रहा है, कितना ले रहा है। तो यहाँ पे इसको टांग दिया, बहुत सारा यहाँ पे सारे पंखे जो जितने भी है सब पहले टेस्ट करना पड़ता है, सही आ रहा है वाट एम्पियर या नहीं। तो इसमें लगाने के बाद पता चल जाता है फिटिंग ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये मोटर बढ़िया से अभी चल रहा है। तो इसके बाद इसमें ब्लेड भी जो है एंगल किया जाता है, और उसका मीटर यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे वाट एम्पियर देखिए आप, 73-74 ले रहा है, 72। तो यहाँ पे काफ़ी ठीक है, और 73-74 वाट एम्पियर ले रहा है तो ये काफ़ी ठीक है। इससे ज़्यादा अगर लेगा, अगर 80-90-100 हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि मोटर ठीक से फिटिंग नहीं हुआ, और ये सब दिक्कत रहती है उसमें। दिक्कत रहेगी तो ज़्यादा वाट एम्पियर लेगा। अभी 73-74-75 भी लेता है तब भी जो है मोटर ठीक रहता है। और पैसे के लिए क्या मैं भाग नहीं जाता, सारा चीज यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये पंखा भी बढ़िया से चल रहा है। तो यहाँ पे सारे पंखे जो लगाने के बाद उसके बाद टेस्टिंग किए जाते हैं। तो ये आ गए हैं फिर से हम सीलिंग वाइंडिंग की तरफ। ये प्लास भाई अभी भी काम पे लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों। हाँ हाँ, तो देख लीजिए ये एक तरफ रनिंग वाली कॉइल डालने के बाद फिर से पेपर डालने लग जाते हैं बेचारे, बहुत पैसा कमा लिए हैं ये। उस तरफ मशीन चल रही है, इस तरफ इनका हाथ चल रहा है, तो मशीन और इनका हाथ दोनों मिलके बहुत पैसा कमाते हैं। और इस तरह अभी ये तार छीलने के बाद इसको डिसोल्व भी कर देंगे, और लीड भी बांध के धागा भी लगा देंगे। तो अभी लीड बांध के धागा बाद में लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीस जो है बना बना के रखे हुए हैं, रखा हुआ है।
से इसमें है, मैंने जो बताया था आपको, वार्निश। वार्निश आप देख लीजिए, मार्शल नाम से वार्निश आती है। प्राइस कहीं दिखाई देगी तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, तो प्राइस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 100 रुपये का आता है ये, और प्राइस लिखा नहीं है, लेकिन 100 रुपये का मिल जाता है, 1 लीटर का है ये। इसके बाद इसमें 3 नंबर स्लीप वगैरह वगैरह सब कुछ चढ़ाना पड़ता है। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे की वीडियो हमारे साथ ज़रूर देखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी लाल वाला बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको दबाइए, और उसके बगल में घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाइए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिए हमें। तो कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ से अगर पंखा खरीदना चाहते हैं तो आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया करूँगा वीडियो के, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं अगर पंखा खरीदना चाहते हैं तो। अगर आपको काम सीखना है, करना है, या फिर कोई सवाल है, आपको कोई पूछना चाहते हैं पंखे के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।